गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ विम्पी। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ मेकअप किया हुआ है। और ये जो मेकअप है, मैंने सिर्फ ये मेकअप 5 प्रोडक्ट्स को यूज़ करके किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल थे। आप जानते हैं कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है और हम सब लड़कियों को तो बहाना चाहिए होता है इस तरीके से तैयार होने का, मेकअप करने का। और ऐसे मौके पर कब कैसे कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें फटाफट से तैयार होना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है और भागना पड़ता है। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशंस के लिए हमें कम से कम प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं फटाफट, ताकि हम मेकअप कर लें और जल्दी से जाएं इवेंट्स या फिर पार्टीज को एंजॉय करें और उन्हें अटेंड करें। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये जो मेकअप लुक है वो तैयार किया है, जो कि मैंने सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अचीव किया है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि मैंने इस मेकअप को कैसे अचीव किया है, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ नीचे लाल रंग का बटन है, उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में जो बेल बटन आएगी, उस पर भी हिट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलिए जल्दी से देखेंगे हम ये वीडियो। तो गाइस, चलिए जल्दी से शुरू करेंगे हम अपना मेकअप। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मेरा CTM जो है कम्प्लीट हो गया है, और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की फ्लोरिना फाउंडेशन। और इसे मैंने ज़रूरत के मुताबिक अपने फेस पर लगा लिया था। आई एम सो सॉरी गाइस, वो जो सीन था वो मैं शूट करना ही भूल गई थी। और मैंने इसे लगाकर अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से अपने फेस पर ब्लेंड कर लिया है। और आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर अभी अच्छे से कवरेज जो है मिल गई है मुझे इस फाउंडेशन से। और जो सेकेंड प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है मेबली न्यूयॉर्क का काजल। और इस काजल से मैं अपनी अपर और लोअर जो वाटर लाइन है उस पर अच्छे से इसे अप्लाई कर लूँगी। और गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स यूज़ करके मैंने मेकअप किया है। इसी काजल को एज आई लाइनर यूज़ कर लूँगी। और दोस्तों, यहाँ पर मैं एक विंग लाइनर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरा विंग लाइनर में बिल्कुल भी हाथ साफ नहीं है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, जज मत करिएगा। और यहाँ पर मैं बिल्कुल एक थिक लाइनर लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लाइनर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। तो मैंने अभी अपनी दोनों आईज़ पर अच्छे से काजल और आईलाइनर जो है लगा लिया है, मतलब आईलाइनर जो है वो मैंने काजल से ही लगाया है। और अभी मैं लगाऊंगी थर्ड प्रोडक्ट, जो कि है एलन ब्लू का मस्कारा। ये जो मस्कारा है मुझे एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है वो रिसीव हुआ था, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मेरे जो आई लैशेज़ है वो काफ़ी छोटी छोटी हैं, और उनको ये बहुत ही एक अच्छा सा कर्ल दे देता है और काफ़ी देर तक रहता है। वाटर प्रूफ भी है ये मस्कारा, तो मुझे ये मस्कारा काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अभी मैंने ये जो मस्कारा है अपनी लोअर लैशेस और अपर लैशेस पर अप्लाई कर लिया है। और अभी मैं अपना जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो यूज़ करूँगी, जो कि है ब्लशर। ब्लशर जो है वो मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्कुल हैवी ज़्यादा लुक नहीं देना है, बिल्कुल एकदम थोड़ा थोड़ा सा मुझे ब्लश लगाना है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर ये पिंक शेड जो है यूज़ कर रही हूँ, और बिल्कुल हल्के हाथों से अपना जो मेरा ब्रश है उसे मैं अपने एप्पल्स पर लगा लूँगी। आपको हमेशा स्माइल करना है ब्लशर लगाते हुए, क्योंकि हमें अपने एप्पल्स पर ही इन्हें अप्लाई करना है। और जो फिफ्थ और लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये हिलेरी रोडा का मैट लिपस्टिक इन द शेड नंबर 22। ये शेड जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसे भी मैं अप्लाई कर लूँगी अपने लिप्स पर। ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी थी, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक थी ये, काफ़ी देर तक भी टिकी और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी थी। सो ये है फाइनल लुक। सो
गाइज आई होप आपको मेरा ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।